आज मेरे ऊपर उल्फ के गैंगों का हमला होगा, कैसे बचा देखना आप लोग। और आज हम फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम उल्फ को टेम करेंगे। एक्चुअल सर्वाइवल क्या होता है वो तो मुझे यह आकर समझ आ रही है अभी। बहुत सारे फाइट, ये ही करते करते मेरा दिन जाएगा यहाँ पे। तो जल्दी से जल्दी वीडियो को शुरू करते हैं, उससे पहले होला टीयर्स गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं अरिका आज दोबारा से एक बार फिर से कह रही हूँ एयर के सर्वाइवल इवॉल्व्ड। तो लास्ट डे को एक्सप्लोरर नोट लेते टाइम ठंड से मेरी हड्डी तो टूट चुकी थी, बिल्कुल मिडिल के पोजीशन पे मैंने उस वुडन केज को लगा दिया। और अभी चल रहे हैं हम लोग सामने की तरफ, पता नहीं कितने दूर जाना है, कहाँ जाना है, सच बताए तो मुझे कुछ नहीं पता। तो इधर सामने आते मुझे फिर से ये जगह मिल गई और मैं सोचती हूँ इधर उतरते हैं। और थोड़ा सा सामने की तरफ देखते हैं, बहुत सारे ऑयली रॉक दिख जाती है। तो मैंने सोचा कि इस सारी चीजों को ना वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो मैं फटाफट आके इधर पे जितने भी सारे ऑयली रॉक था सारे को मैं इधर पे तोड़ने लग जाती हूँ। और देखो कितने सारे हैं, मतलब बैक टू बैक मुझे बहुत सारे ऑयल मिल जाएगी इस एक ही जगह से। आगे जाके मुझे बहुत सारे काम पे लग जाएगी, इसी कारण मैं रैफ्ट को लेके सारे जगह घूम रही हूँ। जहाँ पे भी जो भी मिले मैं उसको उठा लूंगी। और इधर पे देखो केज को बिल्कुल मैं इसी तरीके से खोल सकती हूँ, बट दिक्कत के बात हो जाएगी अगर उस साइड से अगर कोई एनिमल के मैं घुसाऊंगी ना तो वो डायरेक्ट आके इधर पे ठूक जाएगी। और इधर पे काफी ज्यादा मौसम अच्छा हो रखी है। और सामने देखो कौन है भाई, ओ शिट यार, ये डायरूल मेरे पीछे पर जो गए, मेरे को नहीं पता था कि ये कहाँ से आ गया। मैं तो इधर पे अपना अच्छा खासा रॉक तोड़, ओ शिट 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 शिट, घुस जाती हूँ मैं फटाफट से इधर से। ओके तो फाइनली मुझे अभी मिल चुके डायरूल, जो कि एक तो अंदर है और बाहर देखो ये घूम रहा है। तो मैं देखती हूँ कि चलो अंदर वाला तो ठीक है, बट बाहर वाला भी अभी घुस ही चुका है, शायद ये इसका गर्लफ्रेंड होगा और ये घुस चुका है या तो फिर बॉयफ्रेंड, मुझे नहीं पता। ये लोग मुझे मारने के लिए बिल्कुल मतलब उठा पड़ा है, समझ रहे हो ना। इधर पे मैं फंस चुकी हूँ पूरे तरीके से, मुझे इन लोगों को कैसे मारा जाता है या फिर कैसे टेम किया जाता है कुछ नहीं पता था। तो मैं करती हूँ क्या, मैं जाके सो जाती हूँ और सुबह उठ के सोचती हूँ आगे का चीजों को देखेंगे। इतना सोच के तो फायदा नहीं, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। देखा ये डायड वुल्फ इधर पे पता नहीं कौन से ग्लिच से घुस गया था जिस कारण मुझे ये लोग मार देता है। पूरा उधर पे अंधेरा था तो मैं कुछ नहीं देख पाती हूँ। बाकी मुन्नी इधर पे मर चुके, सामने देखो बैग है, उसको ये एजेंट टेविस ने मार दिया है, ठीक है ना। तो कुछ नहीं कर सकती हूँ मैं इधर पे क्योंकि ये बहुत ज्यादा डेंजरस है। बाकी इधर से वो वुल्फ तो उधर सामने की तरफ अपने गर्लफ्रेंड को देखे जा रहा है। मैंने सोचा इधर से भी घुस जाती हूँ और अपने बैग को, देख रहे हो नीचे एक वुल्फ है ऊपर दो उल्फ है। अच्छा तो बैग, अच्छा ये वाला कैंप फायर का ये रहा मेरा बैग, फटाफट से इससे मैं सारी चीजों को उठा लेती हूँ और इधर से भाग भाग भाग। भाई साहब मैं जो भागा ना इधर, ओ शिट, उधर पे एक चीज देखो, एक एजेंट टेविस है उधर पे। ओ माय गॉड यार, इसको तो मतलब मैं पता नहीं मैं कैसे बचूंगी, ये जगह काफी डेंजरस है ना, मैंने सोचा नहीं था, मतलब हद से ज़्यादा डेंजरस जो लग रही है। मुझे पता नहीं और कोई डेंजरस जगह है भी क्या नहीं इस मैप पे, बट ये तो काफ़ी है। तो चलो इधर पे चार चार उल्फ मुझे दिख चुकी है, अभी इस सारी को मुझे मारना है। इस लेवल टू को पहले मारते हैं, एक सेकेंड, इसको तो मतलब ये सामने क्या देख रहे हैं भाई, इसको इधर देख। चलो एक तो गया, एक गया, एक गया, एक गया, अभी और बस तीन ही बचा है। उसमें से एक को मुझे टेम करना है जो लेफ्ट साइड में है, उसको छोड़ के ये दोनों को भी मुझे मारना है, ठीक है ना। ये दो भी अटक गया है, देख रहे हो ना कैसे अटक गया है। तो इतना दिक्कतें तो नहीं होगी। बाकी ब्लैक कलर की है क्या, इसके कलर मुझे काफी ज्यादा पसंद आती है, बट ये लेवल 9 की है और ये ब्लैक कलर की मुझे बहुत अच्छी लगती है। बट चलो ये साड़ी को मैं फटाफट से इधर पे ना मार देती हूँ, ये लोग तो मतलब कुछ भी करके बाहर निकल नहीं पा रहा है। तो चलो कंसंट्रेट करते हैं, मुझे ये एडो को नहीं खोना है, अच्छी तरीके से मारने की मैं कोशिश करती हूँ इधर पे। तो 156 है ना, तो अभी कुछ ही मारना पड़ेगा आई थिंक, समझ नहीं आ रही है। इसको भी थोड़ा मारते हैं, पता नहीं ये दोनों शायद गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही होगा, पता है। एक मतलब चार चार आ गया यार, दो को क्या मैंने जकड़ा और इधर पे दो आ गया। ओके तो ये फाइनली डेड हो चुका है, अभी ये बचा लेवल 3 का, इसको भी देते हैं थोड़ा बहुत और ये भी फटाफट खत्म हो ही जाएगा। अगर ये खत्म हो गया तो ये खत्म होने में कितना टाइम लगेगा, है ना।
तो इसको मारते हेड में ही मारने की हम कोशिश कर रहे हैं। पता नहीं सारे तो नहीं लग रही है, जितना भी लग रही है जल्दी हो जाते हैं, समझ रहे हो ना। फिर इतना बॉडी में मारते तो बहुत टाइम लग जाती है। तो चलो व्हाटएवर इसको मारते हैं यार, ख़त्म हो जा भाई। तो फाइनली चलो ख़त्म हो गया बोरिंग सा काम से, मैं अभी छुटकारा पा चुकी है। अभी इसको मारते, देखो इसको माथे में मारेंगे हम कैसे। और फटाफट मार के इससे हम सारे हाइड एंड मीट को ले लेते हैं और बाहर चलते हैं। अभी इसके बैग में क्या है देखते हैं। इसके अच्छा चलो यारो वगैरह मिल चुका है मुझे, अच्छा ही है। सामने ये देखो, ये नीचे गिर के पड़ा है, कैसे पड़ा है देखो। इसको भी मार के इससे कुछ नहीं मिलता है, थोड़ा बहुत ही मिलता है। लेवल 3 का था, बहुत कमज़ोर था ये उल्फ। तो चलो बाहर जाते और मेरे पास जो उल्फ है उसको हम टेम करने की कोशिश करेंगे अभी। बट मुझे नहीं पता कि एक्चुअली में कैसे किया जाता है इन सभी को। तो अभी तो हम इधर पे आ चुके हैं। इस देखो एरो वगैरह अच्छा खासा 2-4 मिल जाए ना वो ही काफ़ी है। अभी सामने चलते और इसको हम टेम करने के लिए मैं सोचती हूँ क्या करूँ क्या करूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रही थी मेरे को। पता नहीं क्या चीज़ से मैं डर भी रही थी कि वो लोग ग्लिच से आ रहे हैं या फिर उन लोगों का मतलब बॉडी इतना बड़ा नहीं है कि वो लोग निकल के आ जा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रही थी। ऊपर आके मैं एक स्टोरेज बॉक्स को फिर से खोल लेती हूँ और ये देखो ये कौन जा रहा है भाई साहब। ओ भाई टेम तो कर लूँगी, इसको मैंने सोचती हूँ क्या पता है कि ट्रैंकर मारते हैं और देखते अगर होता है तो ठीक है चलो। तो ट्रैंकर मैं फटाफट इसके बॉडी पर लगाती हूँ, अभी देखती हूँ कितने देर में होता है। ओके अब फाइनली ये अभी अनकॉन्शियस हो चुकी है। अभी चलते सामने और इसको एक सेकेंड, मीट तो मेरे पास है ही नहीं। ओह शिट यार, मीट तो क्या किया मैंने सारे मीट का, यार मैंने सारे मीट को इधर पे दे दिया था ना, शिट मैं भूल चुकी थी कि मैं सारे मीट को इधर पे दे चुकी। चलो फटाफट से इधर से मीट को निकाल लेते हैं और मैंने भी कुछ खा लिया इधर पे फटाफट करके। और इधर पे सामने चलो, और मुझे और भी सारे मीट चाहिए था। तो मैंने देखा एक चैली का धर्म जा रही है, मैंने सोचा क्यों ना इसको ही मार देते हैं और इससे बहुत सारे मीट मिल जाएगी। बट लास्ट टाइम मैं जब भी इसको मारती थी ना तब मैं पूरा गैंग लेके मारने जाती थी इसको, क्योंकि ये बहुत मारता है, बहुत खतरनाक वाला मारता है। तो मैं इसको एक बार कोशिश कर ही लेती हूँ क्योंकि अभी मेरे पास रैफ्ट है। तो ओ शिट यार लेवल 18 की, माय गॉड यार ये बहुत ज़्यादा ताकतवर है और कितना ज़्यादा गुस्सा हो चुका है ये देखो। अभी इसको सामने में चलती हूँ और इसको मारने की एक सेकंड कोशिश करती हूँ। ओह शिट यार मैं ऊपर में चढ़ू के, ये तो चढ़ने भी नहीं दे रहा है ये भाई साहब, क्या करूँ मैं अभी। एक मिनट इसको देखते हैं, वो देखो वो रहा, मतलब इधर से बर्फ, मतलब बर्फ का गोला, मतलब खेल रहा है क्या तो मेरे साथ भाई। ओ देखो 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 क्या कर रहा है, दूर में जाके फिर से दौड़ दौड़ के मेरे तरफ आएगा और मेरे को अटैक करने की। ओहो 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 मतलब काफ़ी ज़्यादा सही है, पूरा रियल की तरह दिख रहे थे। मतलब वो जाके जंप कर सके इसका एक मतलब एक फोर्स में आके जंप करे वो सोच रहा था वो। और ये मेरा रैफ्ट को देखो कैसे तोड़ रहा है, अभी पूरा तोड़ चुका है सामने की तरफ एकदम, देखो पूरा धूल उड़ा चुका है। माई गॉड यार भाई फिर से बंद हो गया। ओ शिट अच्छा खोलने भी नहीं दे रहा है, रुक जा तेरे को दिखाती हूँ अभी मैं और कितना देर। भाई साहब क्या सीन है ये, ओ भाई कितना दूर जाके गिरा ये, ओ माय गॉड यार ये भाई साहब मेरा भाई लैडर इसने खा लिया इसने भाई। तो चलो ये तो इधर पे मर चुका है और ये देखो मतलब कितना सही मोमेंट है, कितना सही था ये वाला, मतलब बहुत अच्छा लगा इससे फाइट लेके मुझे अभी इधर पे। तो फटाफट इसको मारते हैं और इससे सारे मीट लेके हम जाते हैं अपना नया वाला डायर उल्फ को टेम करने के लिए। तो इधर आते ही मैं इसको देखती हूँ, थोड़ा बहुत इसका थोड़ा नहीं बहुत ही अनकॉन्शियसनेस बाकी था तो मैंने 40-40 इसको मीट दे दिया। और मैंने सोचा इधर पे नार्कोटिक को भी दे, बट नार्कोटिक का ज़रूरत इधर पर नहीं पड़ता है क्योंकि इसको जैसे ही मैंने मीट दिया ना ये, क्योंकि पहली बात ये तो था लेवल 3 का तो बहुत आसान तरीके से ये हो जाता है टेम। इसके पीठ में चढ़ते हुए पहली बार के लिए मैं डायर उल्फ को इधर पे टेम किया हूँ, मतलब इतना अच्छा फीलिंग आ रही है ना मैं बता नहीं सकती हूँ। आप लोग हमेशा बोलते थे डायर उल्फ करो डायर उल्फ करो, बट मैं फाइनली किया बट लेवल 19 के यार भागो भागो। मैं आई थी थोड़ा रॉक तोड़ने के लिए, लोग मेरे को रॉक नहीं तोड़ने देगा, भागो यार जल्दी जल्दी भागते इधर से और फटाफट जाके मैं रैफ्ट पे चढ़ जाऊंगी, बाकी पता नहीं क्या होने वाली है अभी। तो सामने चलते हैं रैफ्ट पे घुसते हैं, अभी देखते हैं ये किधर पे है। एक सेकंड वो बाहर पे है, एक सेकंड मैं इधर से काम करती हूँ देखने की कोशिश करती हूँ। वन मिनट
तो इधर से मैं जो देखती हूँ ये बिल्कुल मेरे रैप के सामने घूमे जा रहा है लेवल 19 की। माय गॉड, पता नहीं ये कितना डेंजरस होगा। तो मैं इधर से फटाफट इसको ट्रैंक कर मारी जाती हूँ, दो चार मारती हूँ मैं इसको, और इसको देखती हूँ ये सामने की तरफ चली जाती है। मैं सोचती इसके पीछे जाते, बट ये तो हो जाता है अनकॉन्शियस, क्योंकि इसका जो असर है शुरू होना स्टार्ट हो चुका था, इसलिए भाग रहा था। मेरे को लगे ऐसे ही भाग जाए। तो ये भाई सब को तो मैंने उड़ा दिया, अब ये देखना है ये कब तक टेम होता है। तो आज के लिए इतना ही रखती हूँ, मिलते हूँ कल आप लोगों से फेस से। उससे पहले हो टेल्स गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं अरिका दोबारा से मिलती हूँ इसके आगे के सर्वाइवल डेज को लेकर। तब तक के लिए आप सभी लोग बहुत खुश रहिएगा, अच्छे रहिएगा। टाटा एंड टेक केयर।